मैं एक और दफा बताना चाहती हूँ, सिर्फ मीडिया के तवस्सुत से कि जो मेम्बरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया, वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जो 4 साल इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है इस मुल्क को। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत है इस वक्त जो मुल्क के अवाम के लिए काम कर रही है, जो मुल्क की अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, जो मुल्क की अवाम से महंगाई का बोझ हटाने के लिए काम कर रही है। और इंशाल्लाह 4 साल जो आपने मुल्क दुश्मन बजट दिया है, माशी तबाही का बजट दिया है, रोजगार की तबाही का बजट दिया है, आपका डाला हुआ माशी गंद साफ कर रहे हैं, आपकी लगाई हुई माशी आग को बुझा रहे हैं। और इंशाल्लाह वो बजट देंगे जो एक विजन के तहत पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, आईटी सेक्टर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, मुल्क में रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होगा, महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। और आप ये तमाशे आप जाकर मनी गाला में करें, यहाँ रोज तमाशे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक संजीदा हुकूमत, संजीदा वजीर आजम जो रोज आपके अमाल का जायजा लेता है और उन अमालों को ठीक करने की कोशिश करता है, मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हमें करने दें, अवाम को सुकून में रहने दें। आप गोलियां खाएं सुकून की और पाकिस्तान की अवाम को भी सुकून करने दें और हमें पाकिस्तान की अवाम के लिए रिलीफ करने दें।